तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतेक शर्मा। वीवो स्मार्टफोन लवर्स के लिए वीवो की तरफ से एक नया ही स्मार्टफोन अब लोगों को जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। वो है कि वीवो V20 2021 सीरीज में एकदम नया कॉन्सेप्ट होने वाला है, एकदम नया सा कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको देखने को मिलता है जो वेरियंट है, वेरियंट को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें आपको देखने को मिलता है 8 GB + 120 GB का वेरियंट, एकदम फुल सेटिस्फेक्शन मिला। तो वीवो V20 2021 ये जो स्मार्टफोन देख रहे हो ना, इसमें आपको दो कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। वो है कि मिडनाइट जेस और सनसेट मेलोडी कलर, दोनों के एकदम कलर वेरिएंट मुझे बहुत ही एकदम पसंद आया। मतलब एक अलग सा होगा, डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। तो इसमें जो स्मार्टफोन है, इसमें आपको देखने को मिलता है इसका प्राइस सेगमेंट। प्राइस सेगमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस सेगमेंट एक्सेक्टेड प्राइस रखा है 24,000। तो ये प्राइस भी ड्रॉप हो सकता है। तो इस स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन इस तरह है कि इसमें आपको देखने को मिलता है 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले पैनल, और डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9, और डिस्प्ले स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1820x2480 के साथ। और इसमें आपको देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन, जो कि सही है, ये तो देना ही सही है। वीवो वालों एकदम दिया है, एकदम मज़ा आ गया। तो 8 GB वेरियंट के साथ इसमें 120 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 1 TB तक इस ये आपका एक्सपेंडेड मेमोरी इसको सपोर्ट आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसका प्रोसेसर में बात करूँ, इसमें आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ। मतलब एकदम तगड़ा है, तगड़ा सी से एकदम तगड़ा, मुझे एकदम बहुत ही अच्छा लगा। और अभी बात करेंगे इसका कैमरा वेरिएंट। कैमरा वेरिएंट देख के मुझे तो बहुत एकदम आनंद आ गया। वो है कि यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में देखने को मिलता है। 64 MP + 8 MP + 2 MP, 64 MP मेन सेंसर, 8 MP वाइड एंगल, 2 MP हो गया इसका डेप्थ सेंसर। और थोपरा के लिए एकदम लाजवाब वीवो, और सेल्फी लवर्स तो बहुत पहले से ही है कि नहीं। तो इसी के लिए आपके लिए इस स्मार्टफोन में 44 MP का इसका बहुत ही अच्छा सा सेंसर के साथ, 2.4 एपर्चर के साथ आपको सेल्फी लवर्स के लिए 44 MP दिया है। वाह, 44 MP सही है, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी सेगमेंट, जो कि मेरे हिसाब से 5000 तक होना चाहिए था अकॉर्डिंग बाय मी। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो स्मार्टफोन है ना, इसका प्राइस भी 24,000 इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है। अगर प्राइस ड्रॉप होके अगर ये 20,000 तक पहुंच गया ना, तो ये बाकी स्मार्टफोन को हिला देगा, हिला के रख देगा, एकदम हिल दुल के एकदम हिला देगा सब कुछ। आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में जो मैंने कहा, थोड़ा सा ओवर प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस भी थोड़ा ओवर मेरे हिसाब से लगता है, और जिसका इसका वेरियंट है। और इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम सही है सब कुछ, एकदम तगड़ा चीज़ है, कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा लाया बहुत एकदम। जो मेरा ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ा ना, मैं कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ा, अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ, तो अभी अनाउंसमेंट होके मैं इस अभी इसलिए आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस ये है। अगर ये है तो आपको क्या कहना है इसके बारे में, मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से मैं एकदम क्लैरिफाई मैं कह देता हूँ कि इसका प्राइस मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई मी इसका प्राइस होना चाहिए अंडर 20,000, और इसका होना चाहिए बैटरी 5000 mAh बैटरी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम। वीवो वालों खुश हो जाओ, 44 वाला है, 44, 44, ये तो जॉन सीना हो गया, जॉन सीना।